हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। ईआईजीआरपी वर्किंग पार्ट वन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ईआईजीआरपी वर्किंग का एक पार्ट नेबर डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। ईआईजीआरपी की वर्किंग उन तीन टेबल्स के आसपास घूमती है जिन्हें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यानी के नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल। ईआईजीआरपी या किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का वर्क यही है कि वो इन टेबल्स को सक्सेसफुली फिल करे और जिस काम के लिए वो कॉन्फ़िगर्ड है, यानी के राउटिंग या बेस्ट राउट को ढूंढना, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो इसमें से इस वीडियो में हम नेबर टेबल से रिलेटेड ईआईजीआरपी की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। ईआईजीआरपी वर्किंग की शुरुआत होती है नेबर डिस्कवरी से, यानी के नेबर या पड़ोसी को ढूंढना। किसी भी इंटरनेट वर्क के ऊपर जब हम ईआईजीआरपी को कॉन्फ़िगर करते हैं तो ईआईजीआरपी स्पीकिंग राउटर्स सबसे पहले अपने नेबर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें वो नेबर टेबल में रख सकें। इस टोपोलॉजी में से मान लीजिए राउटर ए और राउटर बी, इनके ऊपर हमने ईआईजीआरपी को कॉन्फ़िगर किया है। ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये दोनों राउटर्स नेबर डिस्कवरी के लिए एक दूसरे को हेलो मैसेजेस सेंड करते हैं। ये हेलो मैसेजेस एक ही समय पे भी सेंड किए जा सकते हैं या फिर इसके चांसेस ज्यादा है कि ये अलग अलग समय पे ही एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं। ईआईजीआरपी में सभी राउटर्स एक दूसरे को हर 5 सेकंड्स पे एक हेलो मैसेज सेंड करते हैं। ये हेलो मैसेजेस एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस 224.0.0.10 पे सेंड किए जाते हैं। मल्टीकास्ट मतलब वन टू मेनी टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, और यही आईपी एड्रेस ईआईजीआरपी अपनी वर्किंग के दौरान यूज करता है, यानी के सभी ईआईजीआरपी स्पीकिंग राउटर्स एक दूसरे से 224.0.0.10 को यूज करते हुए हेलो मैसेजेस को सेंड करते हैं। जब ये हेलो मैसेज कोई भी ईआईजीआरपी स्पीकिंग राउटर रिसीव करता है तो उसे ये पता चलता है कि नेटवर्क में या इंटरनेटवर्क में कोई और राउटर है जो उसका नेबर बनना चाहता है। एक बार हेलो मैसेजेस रिसीव हो जाने के बाद राउटर्स कुछ पैरामीटर्स को चेक करते हैं और ये पैरामीटर्स वेरीफाई होने के बाद ही राउटर्स नेबर बनते हैं। इनमें से पहला पैरामीटर है कि राउटर्स सबसे पहले ऑथेंटिकेशन चेक परफॉर्म करते हैं, प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा हो। इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के दौरान ईआईजीआरपी राउटर ऑथेंटिकेशन टाइप को चेक करते हैं जो कि मैच होनी चाहिए, और साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन की यानी के पासवर्ड भी मैच होना चाहिए। इसे हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए आप समझिए कि ईआईजीआरपी राउटर्स तभी नेबर बन सकते हैं अगर वो ऑथेंटिकेशन का टेस्ट पास करेंगे। एक बार ऑथेंटिकेशन टेस्ट पास हो जाने के बाद या फिर अगर ये कॉन्फ़िगर ना हो तो राउटर्स ये चेक करते हैं कि नेबरिंग राउटर सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में है या नहीं। ऑटोनॉमस सिस्टम के ऊपर हमने अपनी राउटिंग सीरीज में एक पहले भी वीडियो बना रखी है, आप इसके बारे में वहां से हेल्प ले सकते हैं। वैसे ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी को बोल सकते हैं जिसके अंडर बहुत सारे राउटर या नेटवर्क्स आते हों। तो मान लीजिए दोनों राउटर्स सेम ऑटोनॉमस सिस्टम में है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन के दौरान उनके ऊपर सेम AS नंबर या ASM कॉन्फ़िगर्ड है। जैसे इस केस में हमने माना कि 100 दोनों राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये टेस्ट भी पास हो जाने के बाद राउटर्स एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि नेबर बनने वाले दोनों ही राउटर्स सेम नेटवर्क का हिस्सा हैं या नहीं, यानी के इंटरफेसेस के ऊपर सेम रेंज में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए और उनका मास्क सेम होना चाहिए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में आपके सामने दिखाई दे रहा है। राउटर ए के ऊपर 10.10.10.1 विद सबनेट मास्क 255.255.255.252 कॉन्फ़िगर्ड है, और इसी तरीके से इसी रेंज का दूसरा आईपी एड्रेस यानी कि 10.10.10.2 और विद सेम मास्क या फिर प्रीफिक्स लेंथ 30 कॉन्फ़िगर्ड है। इतना हो जाने के बाद एक और टेस्ट नेबर बनने से पहले पास किया जाता है, वो है ईआईजीआरपी की के वैल्यूज। ईआईजीआरपी की के वैल्यूज को मैच होना बहुत जरूरी होता है अगर राउटर्स आपस में नेबर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ईआईजीआरपी के वैल्यूज बेसिकली कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, जैसे कि बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और MTU। इनमें से बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू 1 होती है और इन्हें ही एज अ मेट्रिक यूज किया जाता है, जबकि बाकी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 0 होती है, लेकिन आप इनकी वैल्यूज को चेंज करके मेट्रिक में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये के वैल्यूज सीसीएनए लेवल का टॉपिक नहीं है, और इनफैक्ट इस वीडियो में भी हम के वैल्यूज को और ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है। जब हम EIGRP मैट्रिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। इन चारों चेक्स के बाद जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किए और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि EIGRP राउटर्स को जो कि नेबर बनना चाहते हैं उन्हें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को पास करना होगा, वो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होने चाहिए, यानी कि उनके ऊपर सेम ASN कॉन्फिगर्ड होना चाहिए। वो राउटर्स एक ही सबनेट या नेटवर्क का हिस्सा होने चाहिए, यानी कि उनके इंटरफेसेस के ऊपर जो आपस में उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं सेम रेंज में IP एड्रेसेस और सेम मास्क होना चाहिए। इसके अलावा दोनों राउटर्स की के वैल्यूज भी मैच होनी चाहिए। एक बार ये सभी टेस्ट पास हो जाने के बाद EIGRP स्पीकिंग राउटर्स नेबर बन जाते हैं और वो अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन नेबर टेबल में रख लेते हैं। और इसके बाद दूसरा प्रोसेस यानी कि टोपोलॉजी से रिलेटेड प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइम, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि EIGRP हेलो मैसेजेस को किस मल्टीकास्ट IP एड्रेस पे सेंड करता है। आपकी ऑप्शंस हैं ए 224.0.0.10, बी 224.10.10.10 या फिर सी 224.0.0.9। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना न भूलें, और नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।